देखिए ऐसा है कि राजीव लोंगे वाला जो समझौता हुआ था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसको आधार मान के और ये फैसला सुनाया था कि एसवाईएल की नहर तुरंत बनाई जाए, रावी ब्यास का पानी हरियाणा को दिया जाए। और आप जानते हैं जब इंडस वैली का जो ट्रीटी थी 1954 की, उस वक्त जो है केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे इस पानी के लिए, तो ये हमारा अधिकार है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत मैं करता हूँ और उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी दे दी है, या तो आप खुद बनाएं, इसका फैसला लें कैसे आप इसको बनाएंगे, नहीं तो हम जो है जनवरी के महीने में उन्होंने तारीख दे दी है। मैं समझता हूँ कि अब ये पंजाब सरकार का दायित्व बनता है कि जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है जहाँ एक फसल होती है मुश्किल से, अब मैं सिंचाई मंत्री रहा हूँ, मेरे यहाँ भी एक फसल होती है, मैंने खूब कोशिश कर, लेकिन पानी की जो मात्रा है, हमारे टाइम में तो हम 15 दिन नहर चलती थी, 15 दिन बंद करते थे, अब जो है इस सरकार के आने के बाद 40 दिन के बाद नहर आती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि भगवंत मान जी अगर ये काम नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके ऐसे मुख्यमंत्री को, केंद्र सरकार को या अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सख्त कदम उठाना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और ऐसी सरकार को बर्खास्त करें। नहीं सर, उन्होंने तो कह दिया है, आज कैबिनेट की बैठक थी पंजाब सरकार की, वहां तो उन्होंने कहा कि एसवाईएल का एक बूंद पानी हम किसी को देंगे नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों को अगर कोई अनदेखी करता है तो जंगल राज हो गया फिर तो। एक उनके ये पानी तो भाखड़ा से पानी आ रहा है, भाखड़ा डैम से पानी आ रहा है, पौंग डैम से पानी आ रहा है, वो क्या है, वो हिमाचल में है, तो पानी तो इनका इनके बाप दादाओं का थोड़ी ना है, पानी तो जो है पूरे देश की जो है ये जो है संपत्ति है, पंजाब की कोई दादा ला ही है। कल को हम कह दें हम जीटी रोड बंद कर देंगे इनका, फिर इसका मतलब ये गैर कानूनी बात कहना, अनलॉफुल जो बयान है उसके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और उनको चेतावनी देनी थी। इस प्रकार के बयान कैसे